मैं हूँ पल्लवी। पल्लवी कुकिंग रेसिपीज में आपका स्वागत है। मैं पल्लवी आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऑयल फ्री साबूदाना वड़ा, और हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी, वो भी व्रत के लिए, और व्रत के लिए डोसा। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम सामग्री देखेंगे। ये मैंने समा के चावल का आटा ले लिया है, इसे भगर भी बोलते हैं। समा के चावल को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, और ड्राई रोस्ट करके उसे ठंडा होने के बाद मिक्सी में उसकी फाइन पाउडर बना ली है। ये मैंने दो उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने बीच में काट कर दो सीटी लगा ली है, दो ही सीटी लगानी है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ये मैंने साबूदाना ले लिया है। साबूदाना को मैंने 7 से 8 घंटे तक भिगो के रखा हुआ था। ये मैंने ले ली है हरी मिर्च और रोस्टेड पीनट्स की पाउडर। पीनट्स मैंने रोस्ट किए हुए ले लिए हैं, और उसकी मैंने दरदरी सी पाउडर बनानी है, फाइन पाउडर नहीं बनानी है। हरी मिर्च आपको अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ली है। अभी हमने जो सारी सामग्री देखी है वो हमें मिक्स करनी है। सबसे पहले हम मूंगफली की जो पाउडर थी, मूंगफली और हरी मिर्च की, वो डाल देंगे। उसके बाद हमने समा के चावल का आटा ले लिया है। समा के चावल हमें 2 बड़े चम्मच लेने हैं, और वो हमें मिक्स करना है। समा के चावल का आटा लेने से हमारा जो साबूदाना वड़ा है वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा, ऑयल फ्री साबूदाना वड़ा हमारा बनेगा। अभी हमने आलू ले लिए। आलू को अच्छे से हाथों से तोड़ के डालना है। 2 बड़े चम्मच हमें नमक डालना है। साबूदाने की वो सारी क्वांटिटी, आपको कितने साबूदाने वड़े कितने लोगों के लिए बनाना है उसके हिसाब से आपको लेनी है, इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है। और 1 चम्मच हमने ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरा हम डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च। इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स, और थोड़ा सा पानी डालना है। थोड़ा सा पानी, इतना पानी डालना है कि उसकी जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग अच्छे से आने लगेगी डो की। बस इतनी ही हमें उसमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और बस हमें थोड़ा सा डो लेके उसका टिक्की का शेप बनाना है। जिस तरह से मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, बस इसी तरह से हमें टिक्की का शेप देना है। और साबूदाना का वड़ा का अभी हम फ्राई करेंगे। साबूदाना वड़ा हमें धीमी आंच पे फ्राई करना है। अगर आप फुल फ्लेम पे करोगे तो वो अंदर से नहीं पकेगा, और धीमी आंच पे करोगे तो वो अंदर से पकेगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो पहले 5 मिनट हमें धीमी आंच पे पकाना है। ये आप देख रहे हो हमारे साबूदाना वड़ा है जो फ्राई होकर तैयार हो चुका है। आप देख रहे हो कितना बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। बस इसी तरह से कलर आना चाहिए, और बहुत ही क्रिस्पी बना है साबूदाना वड़ा। और आप देख रहे हो हमारा जो साबूदाना वड़ा है बिल्कुल भी ऑयली नहीं बना है। हमारे साबूदाना वड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम सारे साबूदाना वड़े फ्राई कर लेंगे। अभी हम डोसा बनाने वाले हैं, तो डोसा के लिए हम सामग्री देख लेंगे। ये मैंने साबूदाना ले लिया है। साबूदाना मैंने पूरे दिन भर भिगो के रखा हुआ था। 7 से 8 घंटे तक हमें भिगो के रखना है। और ये मैंने समा के चावल ले लिए, इसे बगर भी बोलते हैं। ये भी मैंने सुबह ही भिगो के रखा था। और 1 कटोरी हमने ले लिया है दही। जितने हमने समा के चावल लिए उसकी आधी क्वांटिटी में हमें ये साबूदाना लेना है। और हमें कितने लोगों के हिसाब से बनाना है उस हिसाब से हमें सारी क्वांटिटी लेनी है। अभी ये तीनों चीज़ें हमें मिक्सी में ग्राइंड करनी है। और आप ये देख रहे हो ये बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमें बैटर बनाना है। जिस तरह से हम डोसे का बैटर बनाते हैं उसी तरह से हमें बैटर बनाना है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। 1 चम्मच डाल देंगे नमक इसमें के अंदर, और नमक डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी हमने जो नॉनस्टिक तवा ले लिया है, तवे को अच्छे से गरम कर लिया है। तवा अच्छे से गरम होने के बाद ही डोसा अच्छे से निकलेगा। थोड़ा सा बैटर डाल देंगे तवे के ऊपर, और उसे जल्दी जल्दी स्प्रेड करना है। और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, और हमें इसे अच्छे से सेकना है। जैसे ही ये अभी सेक चुका है, और ये आप देख रहे हो बहुत ही आसानी से ये निकल के आ रहा है वहाँ। अभी पलट कर हम इसकी दूसरी बाजू सेक लेंगे बस 1 मिनट के लिए। और आप देख रहे हो कितने अच्छे से जाली आई है डोसे को। इसी तरह से हम सारे डोसे बना लेंगे, और ये बहुत ही क्रिस्पी सा डोसा बनकर तैयार हो चुका है। ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि बहुत ज़्यादा, आप ऐसे भी बिना व्रत के भी इसे बना के खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस।
अभी हम आलू की सब्जी बनाने वाले हैं व्रत के लिए। तो ये मैंने दो उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने बीच में से काट के दो सीटी लगा ली है। और ये मैंने रोस्टेड मूंगफली ले ली है, रोस्टेड मूंगफली, और उसमें मैंने 6 से 7 हरी मिर्च डाल दी। उसकी दरदरी सी पाउडर बना ली है, दरदरी सी पाउडर बनानी है, ज़्यादा फाइन पाउडर हमें नहीं बनानी है। आलू को हम अच्छे से काट लेंगे और कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर। गैस में कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम जीरा डाल देंगे। अगर आप जीरा नहीं खाते हो तो जीरा स्किप भी कर सकते हो। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए और जीरा चटकने लग जाए उसके अंदर हमने जो दरदरी सी पाउडर बनाई है मूंगफली की वो डाल देंगे। उसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें सेकना है। और जैसे ही वो सेक के तैयार हो जाए कटे हुए आलू हम डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालना है और बस 5 मिनट के लिए हमें उसे पकाना है। और ये बहुत ही टेस्टी हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको आज की मेरी सारी रेसिपी पसंद आई हो, आलू की सब्ज़ी की, व्रत के डोसे की और साबुदाने वड़े की, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके उसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑल करना है। फिर मिलेंगे और नेचर पेटी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।